फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी M35 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर इस तरीके की ग्रीन लाइन अगर आपको दिखाई देती है तो इस ग्रीन लाइन को आप कैसे हटा सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो है ना आपको इस ग्रीन लाइन को हटाने का तरीका बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन को यूज कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जब कभी हमारे फोन की स्क्रीन के ऊपर इस तरीके की जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई देती है ना, तो हमारा मोबाइल फोन जो है ना नॉर्मल तरीके से काम नहीं करता है। ठीक है, तो आपको देखिए अपने मोबाइल फोन को यूज करने के लिए आपको जो है ना दो बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जो स्क्रीन है ना, इसे आगे पीछे ऊपर नीचे करने के लिए आपको अपने किसी भी हाथ की ना दो उंगलियों का एक साथ यूज करना है, ऐसे तब जाके फोन की स्क्रीन आपकी काम करेगी। ठीक है, और देखिए दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने मोबाइल फोन में अगर कोई सा भी ऑप्शन चालू या फिर बंद करना है तो पहले उस ऑप्शन पे एक सिंगल टैप करना है, फिर उसी ऑप्शन पे डबल टैप करना है ऐसे, तो तब जाके वो ऑप्शन आपका चालू या बंद होगा, जो भी आप उसे करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये बताता हूँ इस ग्रीन लाइन को हटाना कैसे है। इसके लिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग का पेज ओपन करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो सेटिंग का जो ऐप है, इसे एक सिंगल टैप कीजिए, अब इसके ऊपर एक डबल टैप करना है। ठीक है, तो आपका सेटिंग का पेज ओपन होता है। अब देखिए सेटिंग के पेज को आपको ना दो उंगलियों से पेज को ऊपर करना है, दो उंगलियों से ऐसे, तब आपको नीचे की साइड ये एक्सेसिबिलिटी का ये ऑप्शन टैप करना है, अब इसके ऊपर डबल टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको नीचे टॉक बैक का ऑप्शन है, टॉक बैक पे टैप करना है, अब टॉक बैक पे आपको जो है ना डबल टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये टॉक बैक का पेज आता है, इसमें देखिए ऑन के सामने बटन जो है ये चालू है, तो इस बटन को बंद करना है। ठीक है, तो इस बटन पर टैप कीजिए, अब इसके ऊपर डबल टैप करना है, तो आपका नीचे छोटा सा पेज आता है, इसमें आपको नीचे टर्न ऑफ का ये बटन टैप करना है, अब इसके ऊपर डबल टैप करना है। ठीक है, तो आपका ये बटन जो है वो बंद हो जाता है, यानी कि ऑफ हो जाता है, इस तरीके से आपकी ग्रीन लाइन जो है वो आपकी हट जाती है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको चेक करा देता हूँ कि देखिए अब ग्रीन लाइन कोई भी दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर ये देखिए मैं किसी भी ऐप को टैप करूंगा तो सिंगल टैप में ओपन हो जा रहा है अब, लेकिन वहां पर जो है कोई भी ग्रीन लाइन अब देखिए शो नहीं हो रही है। ठीक है ना, तो दोस्तों कभी भी अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन के ऊपर इस तरीके की ग्रीन लाइन आपको दिखाई देती है तो इस तरीके से आप ग्रीन लाइन को हटा सकते हैं अपने फोन से। ठीक है।